छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहु। और भाई रामनगरी अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में कुबेर टीले का भगवान शशांक शेखर की आराधना शुरू हो गई है। श्री मणिशंकर रामदास सावनी को उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास के साथ अयोध्या के प्रमुख संतों महंतों और वैदिक पंडित इन अनुष्ठान में शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर महंत कमल नयन दास ने कहा कि बिना महादेव की आराधना की फल की प्राप्ति नहीं होती। राम जन्मभूमि परिसर में कुबेर टीले पर विराजमान भगवान शशांक शेखर का अभिषेक बेहद महत्वपूर्ण है। धर्माचार्य और संतों की माने तो बिना महादेव की पूजा की फल की प्राप्ति नहीं होती। कुबेर टीला पर स्थित भगवान शशांक शेखर की आराधना शुरू हो गई है। यह अनुष्ठान अहम माना जा रहा है। रामलला के भव्य मंदिर की तैयारी के लिए पहले से ही की जा रही है। फिर आंसू काम कर रहा हूँ। रामलला के दर्शन करने के लिए गए थे भैया। आईटी देखते कहाँ है? कुबेर टीला पर गए। भगवान शिव जी वहाँ दिखाई पड़े। पुराना मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में गिरा हुआ, तो हमारी इच्छा हुई भगवान शिव जी का अभिषेक किया जाए। दिन निश्चित हुआ तो आज अभिषेक के लिए सारी तैयारी भगवान शशांक से का आज हम लोग अभिषेक करेंगे। महाराज जी कौन कौन शामिल हो रहे हैं अभिषेक? मैं जा रहा हूँ और कौन जा रहा है ये मैं नहीं बता पाऊँगा कौन कौन रहेगा। महाराज जी इसमें कोई ट्रस्टी भी शामिल हो रहे हैं? होंगे जरूर, वहाँ रहते हैं, एक आध को रहते हैं। महाराज जी माना जाए कि आज से भगवान से पूजा करने के बाद ये मानेंगे कि मंदिर के विघ्न बाधाएं खत्म हो और मंदिर निर्माण शुरू हो? हाँ, तो रोजाना आचार्यों के द्वारा पूजा पाठ बराबर चल रहा है, यज्ञ भी रोजाना होता है विघ्न निवारण के लिए। आज भगवान शिव जी का अभिषेक होगा। इच्छित फल भिन्न शिवरात है लही अनुकूट जो जब साधे। करोड़ों योग यज्ञ जब तब किया जाए, लेकिन जब तक भगवान शिव जी की आराधना नहीं की जाती है तब तक फल की प्राप्ति नहीं होती। अच्छा, पीएम से कब मिलेंगे, प्रधानमंत्री से कब मिलेंगे और कब उनको निमंत्रण देंगे? जल्दी जल्दी राम जी के मंदिर। महाराज जी एक चीज ये है, महाराज जी इसमें कोरोना संक्रमण काल है और राम मंदिर निर्माण बहुत जल्दी शुरू होना चाहिए। बहुत गलत काम हो रहा है यहाँ पे, कोरोना संक्रमण काल की वजह से शुरू नहीं हो पाया, तो क्या इसकी भी आराधना की जाएगी कि भगवान शिव की आराधना से कोरोना संक्रमण काल समाप्त हो? इसके लिए तो हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हैं हमारे जहाँ भी अयोध्या ही नहीं पूरे भारतवर्ष में मठ मंदिर हैं, हमारे साधु संत हैं, अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं आया है, कोई महामारी कोई बीमारी नहीं आया है, कोई प्रमाण नहीं। रुद्राभिषेक से सारी विघ्न बाधा दूर होती है। कितने घंटे चलेगा महाराज जी? 2-2.5 घंटा चलेगा। क्या महाराज जी अब लगता है कि प्रधानमंत्री जी को भी जैसे माहौल ठीक हो सही हो जाए तो प्रधानमंत्री जी आए, राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जैसे शुरू हो, भूमि पूजन? प्रधानमंत्री जी बेचारे भीड़ भाड़ से थोड़ा कट रहे हैं, नहीं अब तक तो शिलान्यास कर चुके होते हैं।